नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना मीठे तरीके से पूर्ण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वक्त जो है कोरोना का चल रहा है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा को अपनाते हुए स्वादिष्ट जो है रक्षाबंधन जो है मनाना है। तो इसके लिए अब कि हमारे घर में क्या किया गया है कि घर पर ही मिठाई बनाई गई है। जी हाँ, घर पर ही मिठाई बनाई गई है और ध्यान रखा गया है। बाज़ारों में भी जो हमारे हलवाई भाई साहब लोग हैं जो मिठाई वगैरह बनाते हैं, वो लोग भी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा वो भी सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं, हमें भी सुरक्षा का अपना ख्याल रखना है। इसीलिए जो है घर पर ही मिठाई बनाने का प्रयास किया है मेरी भाभी माँ ने। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि उन्होंने क्या क्या मिठाई बनाई है, किस किस तरीके से। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मेरी भाभी माँ मेवे वगैरह को कायदे से काट रही हैं, और ये मेरी माँ जो है मूंगफली को जो कि ताज़ी ताज़ी भुनी गई है, उसे भून करके छील करके दूसरे थाली में रख रही हैं। ये देखिए मेरी माँ टीवी देखते हुए काम कर रही हैं, और मेरे भाई साहब ये मखाने को जो है मिक्सी में पीसने का कार्य करने जा रहे हैं, और इस मखाने को और अब मूंगफली को जार में रख करके अब भाई साहब हमारे मूंगफली को पीसने जा रहे हैं, और ये शुरू। और उसके बाद अब जो है बालूशाही के लिए चाशनी तैयार की जा रही है, मेरी भाभी माँ तैयार कर रही हैं। और अब बालूशाही का जो वो है उसके डिजाइन वगैरह को जो है शेप दे करके वो अब इसे जो है तलने जा रही हैं। ये एक एक करके जो है इसे डीप फ्राई कर रही हैं बालूशाही को, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ब्राउन हो रहा है, और अब इसे निकाल करके एक एक जो है डलिया में निकाल रही हैं, ताकि इसका जो है एक्स्ट्रा जो देसी घी जो है उसमें एक्स्ट्रा ना रह जाए। और ये अब उसके बाद जो है चाशनी में डुबो करके ये जो है एक डलिया में निकाल रही हैं, ताकि बालूशाही बहुत अच्छे से बन सके। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को और क्लोज कर दिया हूँ, ये देखिए। और अब ये मूंगफली को चाशनी में जो है जो मूंगफली का चूरा था उसे पीसा हुआ उसे जो है चाशनी में जो है वो कर रही हैं, मिला रही हैं। और ये मखाने को भी उसी में डाल दिया है, अब मूंगफली और मखाने के पाउडर को जो है चाशनी में मिला रही हैं। और अब ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर जैसे भाई खोआ रहता है तो खोआ, नहीं तो मिल्क पाउडर उसमें, ताकि थोड़ा सा जो है दूध का टेस्ट मालूम पड़े, इसलिए मिल्क पाउडर का भी प्रयोग कर रही हैं। अब इसे मिलाने के बाद इसे भी जो है अच्छे से ये मिक्स करने का काम करेंगे। ये देखिए, ये ऊपर नहीं बन रहा था तो नीचे उतार लिए हैं, अब नीचे उतार करके ये जो है अच्छे से मखाने मूंगफली और मिल्क पाउडर के पेस्ट को कायदे से मिला रही हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और उसके बाद अब उसमें जो है जो मेवा वगैरह काटी थी, सारे मेवा वगैरह को उसमें अच्छे से मिला करके ये मिलाया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मिक्स कर रही हैं, बहुत ही मेहनत का काम है दोस्तों, ये आसान काम नहीं हमें लगता है, मैं तो थोड़ा बहुत शूट कर पाया हूँ। और ये देखिए, अब जो है मेवे के लड्डू को गोल गोल सेब मतलब कि आकार दे करके जो है उसे एक थाली में रख रही हैं। और ये हमारे भाई साहब जो है नारियल के चूरे में उस लड्डू को जो है एक कटोरी में रख करके जो है आती है, और उसमें जो है मेवा वगैरह लगा करके गार्निश करते चल रहे हैं। ये देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये मेवे के लड्डू में सब बढ़िया मेवा वगैरह लगा करके इसमें से गार्निश करके बहुत ही अच्छी तरीके से वो सजाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरे को बहुत ही क्लोज कर दिया हूँ, देखिए इत्मीनान से देखिए और बताइए कैसा लगा आपको इसकी सुंदरता, इसका तरीका। अब देखिए, अब बने हुए मेवे के लड्डू को एक डिब्बे में बड़े ही प्यार से मेरी भाभी माँ सजा रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे सजा करके रखा है। और दूसरे डिब्बे में ये बालूशाही को भी जो है मेवे वगैरह से गार्निश करके डिब्बे में सजाया जा रहा है, और भी कई डिब्बे हैं दोस्तों उसमें सजाया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा स्वादिष्ट रक्षाबंधन का मिठाइयों वाला वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।